गुड मोदी केयर मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल सेठ है और मैं मोदी केयर से ही हूं। और आज आप सब लोगों का इस मीटिंग में और इस इवेंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम जानते हैं कि आजकल हम एक बहुत डिफिकल्ट पीरियड से गुजर रहे हैं जिसे कोरोना कहते हैं, और मेरी पूरी उम्मीद है कि आप, आपका परिवार, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार सभी सेफ हैं, और हमारी भगवान से भी यही प्रार्थना है कि वो सेफ रहे। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट में आए हैं, और आज के इवेंट में बहुत कुछ है। एक तो हम अपने फरीदाबाद का मोदी केयर लाइफ सेंटर को खोलने जा रहे हैं, इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। दूसरा, आज हम मैनेजमेंट के लोगों से भी मिलेंगे, और तीसरा, आज जब ये सेंटर खुल जाएगा तो हम इसको खूब अच्छी तरह से सेलिब्रेट भी करेंगे। जब बात फरीदाबाद की आती है तो मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद मोदी केयर जब शुरू हुआ तो ये हमारा थर्ड सेंटर था। थर्ड तो इसका मतलब ये है कि जो फरीदाबाद की एसोसिएशन है वो हमारे साथ बहुत पुरानी है और बहुत फ्रूटफुल है। फरीदाबाद की लीडरशिप, फरीदाबाद के लोग और फरीदाबाद का बिजनेस, ये तीनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज मैं उन सब लीडर्स को, सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि जिनके लिए ये सेंटर खुल रहा है, और बधाई इसलिए भी देना चाहता हूं कि आज तक उन्होंने जो पेशेंस दिखाई है, जिस तरह से काम किया है, वो काबिले तारीफ है। उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है क्योंकि कैसे तारीफ की जाए। तो आज हम इस इवेंट को बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करेंगे। और फिर एक चीज जो मैं और आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं वो ये है कि आज इस इवेंट के पीछे, इस मोदी केयर के पीछे कौन कौन लोग हैं जो मोदी केयर को इतनी तेजी से उन्नति करा रहे हैं। और उसमें सबसे पहले आते हैं हमारे COO मिस्टर राहुल शंकर। मिस्टर राहुल शंकर ने हमें तकरीबन 2 साल पहले ज्वाइन किया, और बल्कि इसलिए भी, मैं तो ये मानता हूं कि इसलिए भी ज्वाइन किया कि जो समीर मोदी साहब की आजादी का लक्ष्य है और था, उसको और भी तेजी से बढ़ाने के लिए। और मुझे खुशी है और हम सब लोगों को बहुत खुशी है कि हम उस लक्ष्य में, उस ऑब्जेक्टिव में बहुत तेजी से भाग रहे हैं, और हमें इन सब सुविधाओं को मिलते हुए, जैसे आज ये सेंटर है, और भी तेजी से भाग रहा है। तो मैं चाहता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मिस्टर राहुल शंकर आएं और हमें बताएं कि हम मोदी केयर को आगे और कैसे ले जाएंगे। मिस्टर राहुल शंकर, प्लीज। थैंक यू सेठ साहब। गुड मोदी केयर मॉर्निंग हमारे सारे मोदी केयरियंस को हिंदुस्तान भर में, और खास तौर पर हमारे फरीदाबाद के जो टॉप लीडर्स हैं और सारे हमारे मोदी केयरियंस हैं फरीदाबाद में, उनको बहुत बहुत बधाई। ये एक हिस्टोरिक दिन है, और जैसा कि हमने पिछली 2 इनॉग्रेशंस में फेसबुक लाइव के द्वारा आप लोगों को बताया कि जो हम पिछले 10 से 12 हफ्ते में जो लड़ाई लड़के हम आए हैं, जिसको हम बोलते हैं वाइल्ड कोरोना शेक्स इंडिया, मोदी केयर मेक्स इंडिया, और ये जो लड़ाई हम लोगों ने मिलके जीती है आपके साथ, ये एक बहुत बहुत बड़ी टेस्टिमनी है समीर जी की विजन की, उनकी सोच की। वो हमेशा यही बोलते हैं कि मेरा एक ही लक्ष्य है, कैसे मैं घर घर आजादी पहुंचा पाऊं। और इसके लिए जो की ड्राइवर है हमारा, वो है ये फिलॉसफी जिसे हम बोलते हैं, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। ये वही फिलॉसफी है जिसकी वजह से हम ये कर पाए हैं। और आज इस सो कॉल्ड न्यू नॉर्मल में, बड़ी, अगर हम आज 2 से 3 महीने पहले हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि हम अपने सेंटर्स की, लाइफस्टाइल सेंटर्स की डिजिटल इनॉग्रेशन करेंगे, और एक साथ जहां एक सेंटर में ज्यादा 500 से 1000 लोग आ सकते हैं इनॉग्रेशन के उपलक्ष्य में, यहाँ हमारा सेंटर का इनॉग्रेशन हो रहा है 1 लाख से ज्यादा लोगों के साथ। हमारा जो पहला सेंटर इनॉग्रेट किया हमने, डिजिटल इनॉग्रेट किया, भुवनेश्वर का सेंटर, 1 लाख से ज्यादा लोगों ने उसको, उस इनॉग्रेशन को देखा। और ये न्यू नॉर्मल है, ये एक नया
तरीका है अब इसी तरीके से हम अब ये we going to see more and more of this in the times to come. अगर हम पलट के देखें तो पिछले दो महीने में जहां पूरी की पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कुछ लोग लॉकडाउन करके बैठ गए थे, कुछ लोग एक महीने की जगह दो महीने का वॉल्यूम क्लब करके बोनस पे आउट की बात करने लगे थे, कुछ लोग अपना बोरी बिस्तर बांध के चंपत हो गए थे, इस माहौल में आपकी कंपनी मोदी केयर में हमने प्रोड्यूस किए 30,000 से ज्यादा नए डायरेक्टर एंड अबव टाइटल्स. और मैं आप सबको सैल्यूट करता हूं एक बार फिर इस मेगा अचीवमेंट के लिए. आज हमारा जो बिजनेस है वो लॉकडाउन के पहले जो प्री कोविड टाइम्स है उससे भी आगे बढ़ चुका है. हम ऑलरेडी इस वक्त आज के दिन 19 तारीख को 18 तारीख की क्लोजिंग अगर हम देखें तो हम लगभग मेकर टर्नओवर टच कर चुके हैं. यानी अब से लेकर अगले 12-13 दिन में जो बिजनेस होगा वो समझ लीजिए मे के ऊपर होगा. सो दिस इज अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट. हर रोज 10,000 से ज्यादा लोग हमारे बिजनेस में ज्वाइन कर रहे हैं. मैं एक मिनट लेना चाहूंगा फरीदाबाद के बारे में कुछ बताने को आपको. फरीदाबाद की खासियत क्या है हमारे बिजनेस में खासतौर पर. फरीदाबाद अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से फरीदाबाद का टर्नओवर देखें, जो टर्नओवर हमारे सीनियर लीडर्स वहां पर ड्राइव कर रहे हैं फरीदाबाद में पूरी पैशन और कमिटमेंट के साथ में, फरीदाबाद का जो पर कैपिटा बिजनेस है यानी जितनी पॉपुलेशन है अगर हम उस बिजनेस को उस पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो सबसे ज्यादा डेंसिटी जो है हमारे बिजनेस की वो फरीदाबाद में है. इसके लिए मैं फरीदाबाद के सारे हमारे मोदी केयरियंस को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा और उनका धन्यवाद देना चाहूंगा. फरीदाबाद की दूसरी खासियत भी है. दूसरी खासियत ये है कि जो हम हमेशा से बोलते आते हैं, समीर जी भी हमेशा से बोलते आए हैं कि विमेन एम्पावरमेंट एक बहुत बड़ा लक्ष्य है हमारे लिए. विमेन, हाउ कैन वी गेट विमेन टू बी मोर एम्पावर्ड. और उस मिशन की अगर हम बात करें तो फरीदाबाद सबसे आगे है क्योंकि जो विमेन टू मेन रेशियो है हमारे कंसल्टेंट्स का फरीदाबाद में वो ऑल ओवर द कंट्री सबसे ज्यादा है. पूरी हिंदुस्तान में जितना हमारा कोई भी और किसी भी सिटी में जो फीमेल टू मेल रेशियो है वो इतना हाई नहीं है जितना फरीदाबाद में है. और ये बहुत बहुत बड़ी बात है क्योंकि अगर आप ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की से तुलना करें तो जितने भी टोटल डायरेक्ट सेलर्स दुनिया भर में है, लगभग 13 करोड़ डायरेक्ट सेलर्स WFDSA के हिसाब से दुनिया भर में है, उन 13 करोड़ डायरेक्ट सेलर्स में से 74% डायरेक्ट सेलर्स वुमेन है, लेडीज है. और फरीदाबाद का जो रेशियो है हमारा वो ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के वुमेन टू मेन रेशियो के लगभग बराबर है. और यही कारण है फरीदाबाद में हमारे बिजनेस में हमारे लीडर्स ने आग लगाई हुई है. बिकॉज हमारा हमेशा से यही मानना है कि जिस दिन लेडीज इस बिजनेस में पूरे दमखम से आ गई उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक. And congratulations once again to all our friends in Faridabad. और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हमारे विजनरी लीडर मिस्टर समीर मोदी वो ऑलरेडी आ चुके हैं आप लोगों से मिलने. मैं ज्यादा वक्त और नहीं लेना चाहूंगा. मैं सेठ साहब, आई एम गोइंग टू हैंड इट ओवर बैक टू यू एंड प्लीज गेट मिस्टर मोदी ऑन द स्टेज प्लीज. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद राहुल सर. और जैसा आपने कहा कि वुमेन एम्पावरमेंट ही नजर आती है फरीदाबाद में, तो हम आपको ये अश्योरेंस देना चाहते हैं कि अब हम फरीदाबाद की किसी महिला को नहीं छोड़ेंगे, सबको मोदी केयर में लेकर के आएंगे. और अब दोस्तों हम एक व्यक्तित्व से मिलने जा रहे हैं, एक पर्सनैलिटी से मिलने जा रहे हैं. उनसे हर आदमी, यदि मुझे चांस मिले तो मैं हर रोज मिलना चाहता हूँ, हर रोज मिलना चाहता है, हर दिन मिलना चाहता है, हर घंटे मिलना चाहता है. वो इसलिए मिलना चाहता है क्योंकि उन्होंने भारत में आकर के ऐसा काम किया जो बड़े बड़े राजनेता नहीं सोचते. आजादी तो मिल गई थी 1947 में, लेकिन आर्थिक आजादी के बारे में तो सब लोग केवल बात करते हैं, मुंह जुबानी बात करते हैं, ऐसे कुछ कंक्रीट नहीं नजर आता है. ये जो व्यक्तित्व है, ये जो पर्सनैलिटी है, ये जो मिस्टर समीर मोदी है, ये 1991 में आए अमेरिका से अपनी एजुकेशन वगैरह पूरी करके. और आते ही इन्होंने ये कहा कि देखिए अब डायरेक्ट सेलिंग में जाना है और पूरी तरह से जाना है. हम लोगों ने कहा कि जरूर जाएंगे सर,
और फिर जो डायरेक्ट सेलिंग के लिए इन्होंने काम किया, खुद भी इन्होंने सीखा डायरेक्ट सेलिंग को, हमको भी सिखाया, कई फॉरनर्स को बुलाया, हमें भी भेजा, और जो एक लर्निंग इन्होंने बताई हमें हमेशा शुरुआती दौर में कि डायरेक्ट सेलिंग एक मैराथन रेस की तरह है, ये एक दो दिन का खेल नहीं है, ना कंपनी के लिए ना कंसल्टेंट के लिए। और मैराथन में जब हम भागते हैं तो धीरे धीरे भागते हैं, और फिर जब स्पीड पकड़ते हैं तो जैसे मोदी केयर ने आज स्पीड पकड़ी है 2015 के बाद कि कोई पकड़ नहीं सकता। मैं मैराथन के बारे में सोच ही रहा था तो मैंने कहा कि आजकल दुनिया में मैराथन में सबसे आगे कौन है, तो मुझे पता चला कि एक 36 साल के युवक हैं, नौजवान हैं, किनिया से, एलियट किपचोगे, और वो कोई भी मैराथन की रेस हो जीत जाते हैं। तो उनसे पूछा गया कि साहब आपके इतनी रेसें कैसे जीत जाते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं मैराथन को मैराथन समझता हूं, और एक हफ्ते में मैं केवल साल में एक दिन 42 किलोमीटर नहीं भागता, मैं हर रोज 42 किलोमीटर भागता, और यही कारण है कि आज तक एलियट किपचोगे को कोई नहीं हरा सका। और एक उन्होंने और वर्ल्ड रिकॉर्ड साबित किया है कि 2 घंटे से कम में भी अभी जो वियना में मैराथन रेस हुई उसको जीता है, जो कि असंभव था। और यही चीजें मिस्टर समीर मोदी केयर में करते रहते हैं, हर रोज करते रहते हैं। उन्हें शायद मोदी केयर के अलावा कुछ नजर भी नहीं आता है, जहां भी देखें तो मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। तो आज तक 4-5 साल में जब से वो वापस आए हैं, उन्होंने कितने हजारों लाखों लोगों की लाइफ को चेंज किया है, और आगे जो रखते हैं वो अपना ऑब्जेक्टिव, उसे सुनने के लिए हमें उन्हें तुरंत बुलाना चाहिए। और मैं बहुत ही जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहता हूं वन एंड ओनली मिस्टर समीर मोदी। नमस्ते सेठ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब सेफ एंड हेल्दी हैं और आपके परिवार में सब लोग खुशी मंगल हैं। आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आपके सामने इस बेहतरीन MNC को खोलने आया हूं। पिछले कुछ महीनों में कठिनाई जो हमें हो रही है, इस कठिनाई के द्वारा भी आपकी कंपनी मोदी केयर तेजस्वी से बढ़ रही है। आज मैं बहुत खुशी है कि हमारी कंपनी में करीब 10,000 लोग हर दिन जुड़ रहे हैं, और आजादी आ रही है और लोगों की तरक्की हो रही है, और आज जो हमारा धंधा है वो प्री कोविड से ज्यादा बढ़िया है, ज्यादा बेहतरीन है। और साथ के साथ हम अगले इस महीने और अगले महीने में हम करीबन 30 नए प्रोडक्ट लेकर आने वाले हैं। जैसे मैंने कहा और मैं कहता हूं कि सोच बदलिए, खुद को बदलिए, दुनिया बदलिए। ये एक ऐसा ही सिर्फ शब्द नहीं, बट इसकी के द्वारा आपकी कंपनी और आपका धंधा तेज बढ़ रहा है। कि सोच अगर नहीं होती ठीक तो ऐसी कोई भी उम्मीद नहीं थी कि किस कोविड समय में आपकी कंपनी का धंधा आगे बढ़े, चेक बढ़े और हमारे पे आउट और भी ज्यादा बढ़े। ये तभी पॉसिबल हुआ है जब आप लोगों ने दिखाया कि वाइल कोरोना टेक्स इंडिया, मोदी केयर मेक्स इंडिया। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया टू द इंटायर दिल्ली एंड फरीदाबाद टीम कि आप लोग हमारे साथ आए, आप हमारे परिवार में हैं, और आपका प्यार और आपकी डेडिकेशन मुझे हर रोज ये उम्मीद देती है कि हम हिंदुस्तान में सच्ची आजादी दे पाएंगे। आज उसके साथ मुझे एक और खुशी है कि फाइनली ये MLC सेंटर हम खोल पाए। जैसे कि सेठ साहब ने कहा, ये हमारा 3rd सेंटर था, और आज हमारे को बहुत खुशी है कि ये शानदार MLC हम खोल पाए। ये हमारा 3रा MLC है लॉकडाउन में, और ऐसी कोई कंपनी नहीं है हिंदुस्तान में जो लॉकडाउन में आकर सेंटर खोल रही है, सेंटर बना रही है। ज्यादातर लोग अपने कंपनियां बंद कर रहे हैं, अपने सेंटर बंद कर रहे हैं, और आपकी कंपनी मोदी की पहली कंपनी है जो इसको ऑपोजिट कर रही है। तो मुझे बड़ा गर्व है कि सेंटर खोलने के लिए, मुझे बड़ा गर्व है कि हम आगे आगे बढ़ रहे हैं। बट इससे पहले मैं उचित नहीं होगा कि अगर मैं अपना सॉन्ग नंबर 19 नहीं गाऊं, तो आइए मेरे साथ गाइए सॉन्ग नंबर 19।
हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तुमसे प्यार सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। यहाँ तो लगे बर्ग के समान, इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार गौर करिए, अगली लाइन आपके लिए। कोई आन देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं सेंटर को देखते हैं, सेंटर को खोलते हैं। पुनीत, ऑल योर्स। अरे नई है दुनिया, नई है खुशियाँ, नई नई तेरी दुनिया, जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम, हम तेरे साथ तेरे साथ तेरे साथ तेरे साथ, तेरी मंजिल के हैं हम सफर। हम मोदी के, मोदी के, मोदी के, हम मोदी के, मोदी के, मोदी के। अनगिनत सपने
तेरी बढ़लाए मकान तेरी बढ़लाए ओ तेरी उम्मीद ओ तेरी उम्मीद तेरी उम्मीद से बढ़कर हम हैं मोदी के मोदी के मोदी के हम हैं मोदी के मोदी के मोदी के सेठ साहब, द फ्लोर इज योर्स। आपका स्माइल, आपका मार्गदर्शन और आपका जो आजादी का आंदोलन जो आपने शुरू किया है वो आप जारी रखें। और सर, हम सब लोग आपके पीछे हैं और ये जो सेंटर नया खुला है, ये न्यू नॉर्मल आने के बाद हम आपको दिखाएंगे। वैसे तो अभी भी दिखा रहे हैं, कोविड में भी दिखा रहे हैं, लेकिन न्यू नॉर्मल में जितने भी रिकॉर्ड हैं वो हम आपके तोड़ करके आपके सामने लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब साथियों, दोस्तों, मिलने की बारी है हमारे ASM ज्योति चौधरी जी से, जिन्होंने इस फरीदाबाद के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान किया है। हालांकि इतनी एज नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि फरीदाबाद मेरे बच्चों की तरह है। तो ज्योति जी, आपके आपके द्वारा दो शब्द। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ साहब। नमस्कार, गुड मोदी के मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आप सभी को मोदी केयर के इस खूबसूरत सेंटर के लिए। मैं मिस्टर समीर मोदी जी, मिस्टर प्रशांत प्रेम, मिस्टर राहुल शंकर, मिस्टर अनिल सेठ, एवरीबडी, क्योंकि एक लॉन्ग वेटेड सेंटर है जिसका हमें बहुत समय से इंतजार था। और उसी के साथ साथ मैं हमारे बीच जुड़े हुए जितने भी हमारे लाइव कंसल्टेंट्स हैं उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ आज हमारे साथ होने के लिए। दोस्तों, उसी के साथ साथ फरीदाबाद, जैसा कि हमने बात की कि हमारे लिए बिजनेस में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है, विमेन एम्पावरमेंट की जहां हमने बात की, तो बहुत सारी महिलाएं फरीदाबाद शहर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और एक ही सपने के साथ हम काम कर रहे हैं। घर घर मोदी केयर, हर घर मोदी केयर, इस ड्रीम के साथ हम ना केवल फरीदाबाद बल्कि दिल्ली NCR को एक ऐसी मुकाम पर ले जाना चाहते हैं। और ये मैं आश्वासन देना चाहती हूँ मोदी केयर की सभी मैनेजमेंट को, मोदी केयर की लीडरशिप को, कि हम सभी साथ मिलकर इस सपने को जरूर साकार कर पाएंगे। सो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आइए लिए चलते हैं अब आपको सौरभ के पास, जो कि हमें आज लाइव हमारे सेंटर से और साथ साथ हमारी लीडरशिप से रूबरू कराने वाले हैं। सो धन्यवाद, आइए सौरभ। बहुत 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 बड़ा बिजनेस करके दिखाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।
थैंक यू हर्षिता जी। और इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगर हम बात करेंगे, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो जैसे फरीदाबाद ओवरऑल जो ग्लोबल इंडेक्स है उसके भी करीब है, ये जान के पूरी लीडरशिप को भी बहुत खुशी हुई। तो उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पे डॉक्टर शोभा पंजाबी। वंडरफुल, मजा आ गया, इतना अच्छा ऑफिस देख करके। काफी दिनों का अवेटेड मोमेंट था हमारा, वो पूरा हुआ हमारा लॉकडाउन पीरियड में। तो प्रूव कर रहा है कि व्हेन कोरोना इज शेकिंग इंडिया और मोदी इज मेकिंग इंडिया। मैं आप सब सब मुझे लगता है कि जो पर कैपिटा इनकम है इंडिया की, उसे इम्प्रूव करने में मोदी का तो बहुत बड़ा योगदान होगा। और साथ में मैं समीर मोदी सर का, पूरी मैनेजमेंट का थैंक्स भी करना चाहती हूँ और सैल्यूट भी करना चाहती हूँ इतना अच्छा ऑफिस देने के लिए। और थैंक यू वेरी मच, हर हर मोदी केयर, हर घर मोदी केयर, मोदी केयर नंबर वन। गुड मोदी केयर मॉर्निंग, मेरा नाम डॉक्टर अशोक, मेजर आर्मी से रहा हूँ, बट ये ड्रीम ट्रू हमारा लाइफ मोदी केयर सेंटर खुला है। मैं शुक्रगुजार हूँ समीर सर का और पूरी मैनेजमेंट टीम का। आई सैल्यूट ऑल ऑफ यू, थैंक यू। तो सर जैसा आपने देखा कि हमारे लीडर्स बहुत एक्साइटेड हैं और ये सब इस बात को लेके इंश्योर्ड है कि आगे जाके हमारा बिजनेस बहुत तेजी से, दुगनी गति से, तिगनी गति से आगे बढ़ेगा। और इसी क्रम में आपको थैंक्स बोलने के लिए मैं जो उनको बुलाना चाहूंगा जो एक यंग जनरेशन के लिए इंस्पिरेशन है, अक्षी दत्ता जी। नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग या मॉर्निंग। आज बहुत अच्छा लग रहा है इस मेडिकल सेंटर को देख के। छोटा सा ऑफिस हुआ करता था, हम सबकी छोटी छोटी इनकम होती थी, छोटी छोटी गाड़ियाँ होती थी। आज बड़ा लाइफस्टाइल सेंटर बन चुका है और गाड़ियाँ भी बहुत बड़ी हो चुकी हैं, घर भी बहुत बड़े हो चुके हैं, लोगों की इनकम भी बहुत बड़ी हो चुकी है। और ये हम लोगों का वादा है समीर सर आपसे, पूरी मैनेजमेंट आपसे, कि आप इतना बड़ा करके दिखाएंगे, इतना बड़ा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर से एक कंपनी का नाम होगा और होगा मोदी केयर, और हम ही करके रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू ऑल मैनेजमेंट इतना सपोर्ट करने के लिए। सच में लॉकडाउन में सब बंद है, लेकिन समीर सर तो बम्बे बम फोड़ते जा रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक्स मैम। और इसी बढ़ते हुए क्रम में इस प्रकार से हम फरीदाबाद की ग्रोथ की बात कर रहे हैं और उसमें एक हमारे बहुत शानदार और हमारे सारे लीडर्स, ना सिर्फ फरीदाबाद के शानदार लीडर्स हैं, उत्तर भारत के शानदार लीडर्स हैं, भारत के शानदार लीडर्स हैं और आने वाले समय में इंटरनेशनली भी बहुत बड़े लीडर्स होंगे। और इसी क्रम में आगे बुलाना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर मनोज मलिक एंड मिसेस सारिका मलिक। थैंक यू सो मच समीर सर, व्हाट ए प्राउड मोमेंट सर। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आपका, मोदी केयर मैनेजमेंट का, मोदी केयर स्टाफ का। सर आपकी जितनी तारीफ की जाए ना कम है, क्योंकि जहां कोविड 19 में पूरा के पूरा फरीदाबाद, पूरा शहर, पूरा देश बंद था, वहीं आपने हमारी सपनों की उड़ान को भरने के लिए एक इतना बड़ा, इतना खूबसूरत मोदी केयर लाइफ स्टाइल सेंटर हमें दे दिया। और सैल्यूट है आपकी पूरी टीम को कि जो हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हमसे भी ज्यादा कमिटमेंट के साथ काम करने में लगी हुई है। और ये लाइव एग्जांपल है जो सेंटर आपने दिया है सर। और सर हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, और हमारे जो मोदी जी पीएम हैं जो हमारे, वो बात करते हैं वोकल फॉर लोकल की, तो उसके लिए मोदी केयर एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। सर आपका जो मिशन है घर घर मोदी केयर, हम प्रॉमिस करते हैं आपने हमें जो इतना खूबसूरत तोहफा दिया है, तो हम आपसे उसके बदले में प्रॉमिस करते हैं कि आपकी इस मिशन में फरीदाबाद का एक बहुत बड़ा योगदान होगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनील सर, लव यू सर, लव यू, लव यू जी, लव यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। सर आप साथ में है ना, आपका कंधे पर हाथ है ना सर, कुछ भी हो सकता है। मुझे याद है कि 15 लोगों का एक ट्रेनिंग हॉल हुआ करता था जब हमने ज्वाइन किया था, और आज इतना खूबसूरत लगभग 150 लोगों का ट्रेनिंग हॉल फरीदाबाद के अंदर, इतना सुंदर ऑफिस है, इतना सुंदर ऑफिस है सर, ये आप ही कमाल कर सकते हैं। 4 दिन के अंदर 3 ऑफिस, ये आप ही कमाल कर सकते हैं। सच में सर आपके साथ रह करना हमारी नहीं, हमारी तरह लाखों लोगों की जिंदगी चेंज होगी। थैंक यू वेरी मच,
राहुल सर थैंक यू वेरी मच, आपके आने से जान आ गई है पूरे मोदी केयर के अंदर, थैंक यू वेरी मच। हमारे संकट मोचन प्रशांत जी थैंक यू वेरी मच, अनूप सर जिन्होंने हाथ पकड़ के हर चीज सिखाई और आज इतने शानदार लाइफस्टाइल ऑफिस दे रहे हैं, अनिल सर, अनिल सेठ सर जितना थैंक यू करूंगा उतना कम है, ज्योति जी थैंक यू वेरी मच, शरद जी थैंक यू वेरी मच, और सारी मैनेजमेंट की टीम सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से इतना बढ़िया ऑफिस मिल गया है। सर मुझे पूरा तो नहीं पता, लगभग 25 करोड़ का यहाँ बिजनेस होता है फरीदाबाद में, आने वाले 2 साल में 250 करोड़ का बिजनेस होगा सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, बहुत 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 सुंदर ऑफिस, थैंक यू सर, सैल्यूट सर, सैल्यूट। सोच बदलो, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो, थैंक यू। आजादी का हमारा सपना है उस आजादी के मिशन को हर एक भारतीय तक पहुंचाएंगे। तो बैक टू यू अनिल सेठ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लीडर्स का, फरीदाबाद के आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मैं कभी टीचर होता और आप मेरे स्टूडेंट होते तो मैं आप में से किसी को भी 100 में से 99 मार्क्स नहीं देता, मैं आपको सबको 100 में से 110 मार्क्स देता। आपकी जो डेडिकेशन आपने दिखाई है बीते सालों में, और मनोज जी आपने 15 लोगों का वो ट्रेनिंग रूम बताया, हमें आपके पसीने की भी कीमत पता, उसमें पसीना भी बहुत आता था, लेकिन अभी हमने बहुत बड़ा एयर कंडीशनर्स लगवाए हैं और न्यू नॉर्मल आने दीजिए, ट्रेनिंग से ट्रेनिंग्स करेंगे वहां। और जितना भी धन्यवाद किया जाए आपके लीडरशिप का कि एक छोटे से शहर को भारत के मैप में आपने उजागर किया है, और 500 करोड़ रुपए का कह रहे हैं आप, अच्छा 250 का था, अच्छा चलो हम अधिकतर बारी ज्यादा ही सोचते हैं, तो आप 250 करें, 500 करें, 5000 करोड़ करें, हम आपके साथ, हम आपके पीछे हैं और दोनों मिलकर के करेंगे। और इसी के साथ साथियों मैं आप सब लोगों का जो भी हमारे फेसबुक लाइव पर आए हैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप आए और आपने हमारे इस इवेंट की शोभा को बढ़ाया, हमारा उत्साह बढ़ाया, और मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह से हम सब का उत्साह, मोदी केयर का उत्साह और समीर मोदी साहब का जो आजादी आंदोलन है उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। और अब हम आप लोगों से विदा लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच।